स्वागत है आपका क्रिकेट हेडलाइंस में। आज की पहली खबर है कि बांग्लादेश के खिलाफ मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है। दरअसल इंडिया और बांग्लादेश के बीच इस सितंबर में दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी, जिसमें ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद शमी उस टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में चोटिल हो गए थे, तब से वो क्रिकेट में वापसी अभी तक नहीं कर पाए हैं। हालांकि उनकी बहुत सारी वीडियोज सामने आती रहती है जिसमें प्रैक्टिस सेशन करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब मोहम्मद शमी की एक नई वीडियो सामने आई जिसमें वो बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अंदाजे यही लगाए जा रहे हैं कि मोहम्मद शमी बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेल सकते हैं। दूसरी खबर है कि विनोद कांबली की एक वीडियो बहुत पुरानी वायरल हो रही थी, वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो गई, जिसमें ऐसा लग रहा था कि वो सही से चल भी नहीं पा रहे हैं, दूसरों के सहारे चल रहे हैं। लेकिन अब विनोद कांबली के दोस्तों ने एक वीडियो बनाई है और उस वीडियो में बोला गया है कि वो जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा पुरानी थी और विनोद कांबली अभी बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। तो वो पुरानी वीडियो थी जिसे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा था और उनके दोस्तों ने साथ साथ ये भी बोला कि जो चीज आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सच बिल्कुल भी नहीं होता है। अगली खबर यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट मुकाबला, यानी कि पिंक बॉल टेस्ट खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पांच मैचों की टेस्ट सीरीज होने वाली है, जिसको हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी कहते हैं, जिसमें टीम इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी और वहां पे एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आएगी। इस मैच के लिए हर कोई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि दो तीन साल में लगभग एक बार ये सीरीज खेली जाती है। हालांकि दो बार से लगातार अभी तक टीम इंडिया ने ही इस मुकाबले को जीता है, इस सीरीज को जीता है, लेकिन इस बार टक्कर जो है वो कांटे की होने वाली है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम बनती जा रही है जो भारत को नॉकआउट मुकाबलों में बहुत ज्यादा परेशान करती है। चाहे ओडीआई 2023 वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए या फिर डब्ल्यूटीसी फाइनल की बात कर लीजिए। जब डब्ल्यूटीसी 2023 का फाइनल हुआ था वहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल खेला गया था और वहां पे इंडिया चोक कर गई थी और ऑस्ट्रेलिया जीती थी। जब ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ वो इंडिया में खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ही बीच, वहां भी इंडिया को हार का मुंह देखना पड़ा था। अगली खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने शुभमन गिल पर निशाना साधा है। दरअसल जब से श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारी है टीम इंडिया, तब से हर कोई प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अब बासित अली का नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है। बासित अली ने बोला है कि यशस्वी जायसवाल को इस स्क्वाड के लिए सिलेक्ट नहीं करके टीम इंडिया ने बहुत बड़ी गलती करी है, गौतम गंभीर ने बहुत बड़ी गलती करी है और यशस्वी जायसवाल को जरूर मौका देना चाहिए था। यशस्वी जायसवाल शुभमन गिल से लाख गुना बेहतर खिलाड़ी, जैसा कि टर्निंग ट्रैक्स था, स्पिन बहुत ज्यादा बॉल हो रही थी, ऐसे में जरूरत होती है वहां पे किसी ऐसे बल्लेबाज की जो रिवर्स स्विप और स्विप जैसे शॉट्स आसानी से खेल सके, लेकिन शुभमन गिल वो चीज करने में नाकामयाब रहे हैं। अगर यशस्वी जायसवाल या फिर सूर्य कुमार यादव होते तो जरूर वो रिवर्स स्विप और स्विप शॉट्स का इस्तेमाल करते, लेकिन यशस्वी जायसवाल को तो सिलेक्ट ही नहीं किया गया। अब आखिरी खबर यह है कि एयरपोर्ट पर फैंस ने श्रेयस अय्यर और रोहित शर्मा से एक बहुत खास डिमांड की है। दरअसल जब कोलंबो से वापस जा रही थी टीम इंडिया तो वहां पे रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर थे और एक फैन ने बोला है रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर से कि भाई अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमें जीतनी है। दरअसल टीम इंडिया बहुत ज्यादा ट्रोल हो रही है जब से श्रीलंका सीरीज हार रही है और अब ज्यादा ओडीआई मैचेस बचे नहीं है, बस इंग्लैंड के साथ तीन ओडीआई मैचेस बचे हैं चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। इस वजह से लोगों को लग रहा पता नहीं टीम इंडिया की कैसी तैयारी होगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, कैसी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि एशिया में ही खेला जाना है, पाकिस्तान में ही खेला जाना है चैंपियंस ट्रॉफी और वहां भी टर्निंग ट्रैक्स बहुत ज्यादा होती है और श्रीलंका सीरीज में जो भारतीय बल्लेबाजों की वीकनेस रही है स्पिन के खिलाफ वो बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सपोज नजर आई है। हर एक बल्लेबाज स्पिन पे ही आउट होता हुआ नजर आया, मतलब पिच अगर स्लो होगी और बॉल बहुत ज्यादा टर्न हो रही होगी तो फिर बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, इसी वजह से फैंस भी थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं टीम इंडिया का। बाकी आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।